आईपीओ अप्लाई करने के लिए हम इतनी झंझट क्यों लें, जब हम केवल 2 मिनट में अपना आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीरोधा की काइट से हम कैसे केवल 2 मिनट में अपना आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार बदिराजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिनटेक गुरुकुल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करें और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो और आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भरते हैं केवल 2 मिनट में अपना आईपीओ। हैप्पीएस्ट माइंड का ये आईपीओ मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसी तरीके से अपना कोई भी आईपीओ, चाहे वो आने वाला रूट मोबाइल हो, एंजल ब्रोकिंग हो, यूटीआई एएमसी का हो या कोई भी हो, आप सभी प्रकार के आईपीओ केवल 2 मिनट में आराम से भर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी काइट की ऐप खोलनी है। उसमें आपको लास्ट ऑप्शन आपका प्रोफाइल वाला नज़र आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो कंसोल में आईपीओ का ऑप्शन होगा। आईपीओ पर क्लिक करने के बाद ये आपको आपके ब्राउज़र पर रीडायरेक्ट कर देगा। ब्राउज़र पर जाने के बाद आप जिस भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे बने बिड ऑप्शन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको अपनी UPI ID डालनी है। ये आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे पर जाकर अपनी UPI ID चेक कर सकते हैं और एज इट इज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर का आएगा। तो आप अगर रिटेलर हैं तो इसी में अपने अप्लाई करना है, तो इस ऑप्शन को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको लॉट साइज डालना है, जितनी क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और ये क्वांटिटी मिनिमम लॉट जितनी तो होनी चाहिए एटलीस्ट। जैसे इस हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ का मिनिमम लॉट 90 शेयर्स का है, तो मैं यहाँ पर 90 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करूँगा, यानी एक लॉट के लिए ही अप्लाई करूँगा। प्राइस में आप हमेशा कट ऑफ डालें ताकि आपका कभी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्लेमर पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर में आपको आपके UPI ऐप पर, चाहे वो फ़ोन पे हो या गूगल पे हो, किसी भी ऐप पर आपको नोटिफिकेशन आएगी। पॉपअप आने में थोड़ी देर भी हो सकती है। जैसे ही पॉपअप आएगा आपको इस पे ऑथराइज या एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एग्री करके इसे सबमिट कर देना है। और देखिए, यहाँ पे आपको दिखा दिया कि अमाउंट आपका ब्लॉक हो गया है और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो देखा कितना आसान था, केवल 2 मिनट के अंदर आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खोला है तो नीचे लिंक पर फटाफट क्लिक करें और अगले आईपीओ की अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गेटिंग नॉलेज।